एंटी मार्कोब्निकोव एडिशन अच्छा तो मार्कोब्निको का उल्टा भी हो जाता है जी, जैसे जायद का उल्टा था, के उल्टे में किसी वैज्ञानिक का नाम तो नहीं है तो बोल देते हैं एंटी एडिशन क्या है एंटी मार्कोब्निकाइड्रोजन आइटम ऑफ एच बी आर गेट्स अटैच टू दैट कार्बन विच कंटेन्स लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन आइटम्स अच्छा कोई वैज्ञानिक नहीं इनके साथ आ, वैसे तो पुराने मशहूर वैज्ञानिक थे खराश महाराज गले हुए खराश खराश तो इसको जो फिनोमिना है एडिशन कभी कभी इसको खराश इफेक्ट बोलते हैं कभी कभी इससे परोक्साइड इफेक्ट बोलते हैं चाहते तो खराश एडिशन बोल सकते थे पर नहीं बोला किसी ने ठीक है ऐतिहासिक भूल है ये जो भी है ये एक नया ड्रामा रच दिया हमें कंफ्यूज कर दिया आपने पता नहीं क्या बोले जा रहे हैं हमें समझ में ही नहीं आ रहा से दो मिनट में समराइज करता हूं सब समझ में आ जाएगा देखो मान अभी एग्जाम्पल ये था ना मैंने ये था एच बी आर जोड़ा क्या मिलता है इसमें मार्कोव निकोव ने कहा यहाँ एच और यहाँ बी आर जोड़ दो ठीक है ये क्या है ये है मार्कोव निकोव एडिशन ठीक है लेकिन अगर थोड़ी सी है आपके गले में खराश ठीक है यानी कि आपने क्या किया आपने इन प्रेजेंस ऑफ परऑक्साइड किया तो यहां H2O2 डाल दिया थोड़ा सा अरे बाबा फिर क्या होगा आप पाएंगे एडिशन अभी भी HBr का है पर उल्टा होगा H यहां और Br यहां लग जाएगी। कि दिस इज एंटी मार्कोव निकोव एडिशन यह संभव हो जाएगा कि नई बात थी जो जी ने बताई अच्छा तो कोई भी एक््स कोई भी एक््स नहीं ये एचसीएल और एचआई हाँ में नहीं होगा ये सिर्फ एचबीआर में होगा जो फर्स्ट रिएक्शन था मार्कोवनीको एडिशन था वो एचसीएल एचबीआर एचआई तीनों बड़े प्यार से देते दे थे दे तो, कोई गड़बड़ नहीं है क्रैश इफेक्ट या एंटी मार्कोवनीको एडिशन सिर्फ एचबीआर देता है अगर इसी में एचआई हाँ या एचसीएल हो और परऑक्साइड डाल देंगे तो आप देखेंगे अगर एडिशन होगा तो पुराने मार्कोवनिकोव के हिसाब से होगा कोई गड़बड़ नहीं है कोई एक्सेप्शन नहीं है एक्सेप्शन सिर्फ और सिर्फ एच के साथ है किसका मार्कोवनिको एडिशन का अच्छा ये कैसे है कि ऐसे है बताता हूं आपको देखिए रिएक्शन ऐसे होता है ये ये क्या बड़े बड़े मॉलिक्यूल लिख रखे गंदे गंदे हमें डर लग रहा है मत डरिए ये ये है बेंजोइल और ऑक्साइड ये बड़ा भयानक है भयानक बिल्कुल भी नहीं मेरे साथ देखिए बंजीन समझते हैं आप हां बंजीन ये क्या है ये जो ग्रुप है ये है बेंजोइल ग्रुप ऐसे ही एक और ग्रुप लगा दीजिए ओ सी ओ ये तो दो दो बेंजोइल ग्रुप जोड़ दिया आपने जी हां और ये ओ ओ बॉन्ड जो बन गया है ना पीच में ये वाला ये है परोक्साइड बस इसका नाम पड़ जाता है बेंजोइल ऐसा है है ठीक तो ये जो बेंजोइल परोक्साइड है एक परोक्साइड है ठीक इसको लीजिए थोड़ी अल्ट्रावायलेट लाइट चमकाइए जिसको एच न्यू लिख देते हैं और इस उपस्थिति में अगर आप प्रोपीन का रिएक्शन एच बी आर से कराएंगे आप देखेंगे एंटी मार्कोवनिक होगा एच को यहां जुड़ना चाहिए था एच यहां जुड़ जाएगी बी आर उल्टी जुड़ जाएगी ऐसे ये एक फैक्ट है जो हम आपको बता रहे हैं ये एंटी मार्कोवनिक हो जाता है परऑक्साइड्स की प्रेजेंस में एच बी आर सिर्फ और सिर्फ एच बी आर न एच सी एल नई सिर्फ एच बी आर के साथ ऐसा परऑक्साइड इफेक्ट देखने में आता है पहली बात तो आपको ये याद होना चाहिए कि हाँ ऐसा होता है और दूसरा ये सिर्फ एच के साथ होता है एच और एच वैसे ही एड होते रहेंगे अगर एडिशन रिएक्शन हुआ तो वो वैसे ही एड होते रहेंगे जैसा पहले हो ठीक है ऐसा क्यों होता है ये चीज आप देख सकते हैं इस रिएक्शन के मैकेनिज्म से अच्छा मैकेनिज्म बताओगे हाँ मजा आता है मैकेनिज्म में तो अरे बहुत मजा आता है कैसे होता है ये रिएक्शन अगर आपको याद हो HX का एडिशन थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कार्बो से चलता था रिवाइज करो फटाफट हाँ जी ये था कि अगर अगर क्राश इफेक्ट नहीं है अगर परऑक्साइड नहीं है सिर्फ HBr डाला तो सबसे पहले क्या था पहला सिर्फ याद करिए ऐड H+ तो ऐड H+ ऐड कराते हैं भैया अच्छा तो क्या बना था H यहां जुड़ा था प्लस यहां आ गया था और फिर उस पे था ऐड Br- तो हमने भैया Br- ऐड कराया यहां पे तो क्या हुआ यहां बी आर लग गया ऐसे ऐसे हुआ था काम जी ये क्या था ये था नॉर्मल मार्क एडिशन जी मैकेनिज्म था इलेक्ट्रोफिलिक इलेक्ट्रो फिलिक एडिशन पूरा नहीं है कौन सा इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है इसमें आगे क्या है फ्री रेडिकल एडिशन बिल्कुल अलग चीज है क्या है अब इसको मेरे साथ देखिए फ्री रेडिकल एडिशन में ये हो रहा है कि सबसे पहले जो आपने बेंजोइल परऑक्साइड लिया था ये था ना आपके पास सीओ सी ओ पी एच ये और जैसे ही इस पर लाइट चमकाएंगे इसके दो टुकड़े हो जाएंगे और ये रेडिकल बनाएगा कैसा रेडिकल बेंजोइल रेडिकल या ये जो भी है पीएचसीओ रेडिकल बेंजीन कार्बोक्सी रेडिकल जो भी अब ये पी एच सी ओ ओ रेडकल ये था इनिशिएशन ऐसे तो सबसे पहले लाइट चमकाकर प्रोक्साइड को तोड़ेंगे ये देखिए है ये ओ -ओ है कि लगा उसके साथ आर आर को भी हो सकते हैं लाइट पड़ी और कटा दो टुकड़े हो गए इसके ठीक है भैया ये रेडिकल बन गया जी हाँ नाचने लगा बिल्कुल अच्छा और ये रेडिकल क्या कर रहा है अब आप देखिए ये रेडिकल जाकर एच बी आर से रिया कर रहे हैं तो आर ओ रेडिकल प्लस एच बी आर आर ओ एच और बी आर डॉट ये बी आर रेडिकल पैदा कर देता है वाओ ये क्या था इनिशिएशन रिएक्शन हो रहा है अच्छा तो हमारे पास ब्रोमीन रेडिकल बन गए जी हाँ हमारे पास ब्रोमीन रेडिकल बन गए हैं अब क्या है अब होता है प्रोपोगेशन प्रोपोगेशन के स्टेप्स क्या हैं देखिए बी आर था और आपके पास थी अल्कीन जी हाँ टिंग 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 गए टिंग पास में गए तो क्या हुआ अब देखो आपके पास दो ऑप्शन है कौन सी आप ऐसे इमेजिन करो ये अल्कीन टूट गया पाए टूट गया और ऐसे एक बिंदी यहां एक बिंदी यहां दो आ गए ठीक है अब आप या तो इसमें बी आर ऊपर जोड़ो तो क्या है ये बी आर यहां जुड़ जाएगा दो संभावनाएं एक बी आर एडिकल अगर ऊपर जुड़ गया तो प्राइमरी रेडिकल बनेगा और यही बी आर एडिकल अगर नीचे जुड़ गया यहां पर यहां पर सेकेंडरी रेडिकल बनेगा प्राइमरी और सेकेंडरी जी हाँ इस तरह से प्राइमरी और सेकेंडरी रेडिकल बन जाएंगे ज्यादा अच्छा कौन सा है प्राइमरी अच्छा नहीं है सेकेंडरी अच्छा है तो मेजोरिटी किसमें बनेगी मेजोरिटी बनेगी कि भैया बी आर को यहां जोड़ लो और रेडिकल यहां बन जाएगा सेकेंडरी रेडिकल अच्छा और फिर क्या हुआ फिर हुआ ये कि बी आर जुड़ा ये रेडिकल आया और उसने एच बी आर से रिएक्ट किया एच नोच लिया एच नया लग गया दोबारा बी आर रेडिकल बन गया फ्री रेडिकल प्रोपोगेशन की एक अदा है क्या कि जो सॉरी कि जो रेडिकल पहले कंज्यूम होता है वो अंत में दोबारा बन जाता है जो रेडिकल पहले कंज्यूम होता है वो अंत में दोबारा बन जाता है तो बस जैसे ही इसको जोड़ेंगे क्या आ जाएगा टाइम टाइम कट जाएगा सब कट जाएंगे और आ जाएगा वही क्या प्रोपीन प्लस एच बी आर दे रहा है एंटी ऐसे इफेक्ट राइट आप देखिए रेडिकल मैकेनिज्म और रेडिकल की स्टेबिलिटी के दम पर बहुत मजे से आप देख सकते हैं कारण भी बता सकते हैं कि भाई क्यों हो रहा है ऐसा इसलिए हो रहा है ऐसा देखिए राइट right? वही मैकेनिज्म अब अलग अलग तरीके से आपको एनिमेशन में भी दिखाया गया है आप देखें दोनों संभावनाओं पर विचार करके बता रहे हैं कैसे चलेगा कहा मोर स्टेबल कहां लेस स्टेबल वन ब्रोमो जो मोर स्टेबल था उसको बनाते हैं और लेस स्टेबल को त्याग देते हैं इस तरह से तो इसी मैकेनिज्म को एक बार फिर फटाफट करते हैं और देखते हैं क्या था पहला स्टेप जनरेशन ऑफ रेडिकल्स क्या हुआ बेंजोइल बेनजॉयल है आपके पास मत भूलिएगा बेंजोइल ग्रुप क्या था बेंजीन रिंग के साथ सीओ ये था बेंजोइल 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 और ठीक तो ले लिया आपने बिल्कुल और लाइट चमकाई ओ ओ टूट गया और आपको आपके पास बना बेंजीन बेनजीन रेडिकल ठीक है इस रेडिकल ने एच बी आर के साथ रिएक्ट किया एच घसीट लिया बेंजोइक एसिड के साथ बी आर राडिकल जनरेट किया है ये है इनिशिएशन के दोनों स्टेप्स इनिशिएशन हुआ बी आर रेडिकल बन गए अब आता है थर्ड स्टेप प्रोपोगेशन का प्रोपोगेशन या सेकंड जो भी आप कहते हैं बी आर रेडिकल जब अल्किन पे जुड़ेगा दो तरह से जुड़ सकता है ध्यान रखना सी डबल बॉन्ड सी पे जुड़ेगा जिस कार्बन से जुड़ेगा बाजू वाले पे रेडिकल बनेगा तो अगर यहां जुड़ गया या यहां फर्स्ट यहां जुड़ा तो ये ये प्राइमरी रेडिकल बनेगा इधर जुड़ा तो ये सेकेंडरी रेडिकल बनेगा ज्यादा स्टेबल रेडिकल कौन है प्राइमरी या सेकेंडरी सेकेंडरी राडिकल ज्यादा स्टेबल होते हैं अगर आपको याद हो तो ये ज्यादा अच्छे से बनेगा ये उतना अच्छे से नहीं बनेगा ये बहुत ज्यादा है ये है, ये ये मेजर है 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 बहुत कम माइनर होगा ठीक प्राइमरी से अच्छा सेकेंडरी सेकेंडरी से अच्छा टर्सरी आपको पता ही है उस आधार पर आप देखें कि हमने सेकेंडरी रेडिकल बनाया अब वो फिर से एच बी आर से प्रोपोगेशन का स्टेप टू फिर से एच बी आर से रिएक्ट करेगा एच नोच लेगा और Br रेडिकल दोबारा बन जाएगा जो आगे दनादन दनादन रिएक्शन कराने के काम में आएगा टर्मिनेशन तो हो जाता है जैसे हो, वी डोंट केयर मेन तो प्रोपोगेशन था वो हमने देखा और अपने को भी मिल गया H और Br H और Br यहां ऐड हो रहे हैं क्राशवेट या एंटी मार्कोवनिक एडिशन जैसा कि हम डर रहे थे हो गया हमने उसका मैकेनिज्म जान लिया बढ़िया है शानदार है ठीक है

दो स्टेप से बड़े प्यारे से प्रोपोगेशन के कौन से आप देखो आपके पास क्या था आपके पास था कि यदि ऑलरेडी एच सी एल रेडिकल बनता स्टेप्स क्या थे एक बार मैं स्टेप्स बताता हूं। याद करो आपके पास प्रोपीन प्लस एक्स रेडिकल रहा है एक्स यहां जोड़ गया ये और सेकेंड स्टेप है एक्स जुड़ा हुआ रेडिकल है और ये एच एक्स के साथ रिएक्ट कर रहा है और बना रहा है एक्स और एच और, और वापस एक्स रेडिकल दोबारा प्रोड्यूस कर रहा है यह प्रोपोगेशन प्रोपोगेशन का स्टेप वन था और यह स्टेप टू था ठीक है अगर आप एच बी आर के साथ अगर एक्स बराबर बी आर देखेंगे तो आप पाएंगे यह भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है और यह भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है दोनों रिएक्शन में हीट रिलीज होती है फेवरेबल रिएक्शन है खुशी खुशी हो जाते हैं लेकिन यदि आपके पास हेलोजन क्लोरीन है क्लोरीनेशन के केस में आप देखेंगे कि ये रिएक्शन तो एक्सो है पर एक्स बराबर सी लेकिन ये रिएक्शन एंडोथर्मिक है एच सी एल बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है उससे तोड़ते हैं तो उतना मजा नहीं आता सी बॉन्ड बनाने का उतना ग्लैमर नहीं है Propagation के दोनों स्टेप्स में से से कोई भी एक स्टेप अगर unfavorable हो गया ढंग नहीं हुआ तो ओवरऑल रिएक्शन आगे नहीं बढ़ पाएगा तो तो में में गाड़ी आगे चलती ही नहीं Iodination में अगर आप देखेंगे, तो आप देखेंगे कहेंगे लंबा है और थोड़ा वीक है टूट जाएगा पर एच आई के के केस में जब फर्स्ट स्टेप देखेंगे अगर एक्स बराबर आई देखेंगे तो आप एक्सोथर्मिक अच्छा तो मतलब अगर एफ एस एल होगा तो सेकेंड स्टेप अनफेवरेबल है प्रोपोग्रेशन आगे नहीं बढ़ पाएगा अगर आई होगा तो फर्स्ट स्टेप अनफेवरेबल है आगे नहीं बढ़ पाएगा अगर बी है तो भगवान ने ऐसा अद्भुत संयोग बनाया है कि बी में ही ये होता है कि ओवरऑल दोनों स्टेप्स एक्सोथर्मिक है थड़ा धड़ थड़ा आगे बढ़ते हैं और ऐसे रिएक्शन बस हो जाता है राइट अच्छी बात ये देखिए

और जैसा रिएक्शन होता है वैसा ही होता है और मार्कोवनी एडिशन होना था जी हाँ तो हूबहू वैसे ही मार्कोविकॉव एडिशन ही होता है यह है माया इसकी ठीक है चलिए